पटना का मौसम बहुत बेईमान हो रहा है, क्या हाल हो गया पटना जंक्शन का? आप ये जान लीजिए कि आपको क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। ये अपना महावीर मंदिर है, थैंक यू सो मच, विद अ ब्यूटीफुल स्काई, विद अ ब्यूटीफुल मौसम और ब्यूटीफुल लेडी के साथ ब्यूटीफुल वाली चाय। चाय ब्यूटीफुल होती है क्या? नहीं, चाय अच्छी होती है, ब्यूटीफुल नहीं होती। okay. चाय ठंडी हो जाएगी। बस आप देखिए कि हमारी चाय कहाँ होती है सुबह वाली, इस वाले व्यू के साथ ये वाली चाय तो फिर बात बन जाती है। तो बिस्किट एंड चाय, सबसे पहले ये मटर गश्तियन के लिए, उसके बाद फिर मेरी बारी आती है। तो अभी चाय हो चुकी है खत्म और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका जो साहब आपके साथ है। मौसम बदला, दो दिनों तीन दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी गर्मी नहीं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी ना, उमस हो रही थी भाई साहब, की सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। और अभी सुबह सुबह जो है मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है, तो हम लोग अभी छत पर हैं और छत पर आकर के चाय पी रहे हैं और चाय के साथ साथ इस नज़ारे का लुत्फ उठा रहे हैं। सो कल व्लॉग नहीं आया उसके लिए दिल से सॉरी, और आज का दिन हो चुका है शुरू। अगर अभी तक भाई को आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिए। मैं बोलता नहीं हूँ तो आप लोग फॉलो भी नहीं करते हो यार, फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तुम चप्पल हाथ में क्यों पकड़ी हो? उल्टे पहन रही हो क्या तुम? पता नहीं क्यों बचपन में हर लड़के, मैं भी शायद उल्टा ही पहनता था, शायद आप भी उल्टा ही पहनते थे। और वो देखो नाव वाले को ऐसा लग रहा है कि नाव अब डूब जाएगी तब डूब जाएगी, लेकिन डूबेगी नहीं भाई, उससे बालू लदा है। और ये इस साइड से ले आते हैं, दानापुर के साइड से। मशीन जो गया है वो डूब जाएगा। अब देखो ना वहाँ पे काला काला कौवे का घोंसला, देखो ना वहाँ पे पीपल के पेड़ पे। आज एक बार फिर से हमारे घर में मछली आई है, ये मछली बन रही है यहाँ पर, अम्मी बना रही है पहले। और यहाँ पर हम लोग छत के ऊपर बैठ करके ये मछली बना रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हवा आज बहुत अच्छी चल रही है। ये गांव के मुखिया जी जो अभी खा रहे हैं लेज, और ये मुखियाई ने जो अभी क्या खा रही हो तुम? जी खा रही हूं। तो आज दिन की शुरुआत होगी इसी तरह से। A few moments later. तो गाइस जब आप घर में रहते हैं ना, तो आपके पास एक से एक आइडियाज होते हैं, और आइडियाज ऐसे ऐसे कि आप उसको बता नहीं सकते, बस वो आ जाते हैं दिमाग में, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अभी एक हमारे बालकनी में ये बरगद का पेड़ था, ये मार्बल पूरा तोड़ दिया इसने, और देखो इसका जड़ हमने यहाँ से निकाला। कई बार काटा इसको मैंने, कई बार दो तीन बार इसको ऊपर से काट देते थे कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, दीवार फट रहा था पूरा। और अभी क्या हुआ ना कि इसने मार्बल को फाड़ दिया, अंदर से हो नहीं रहा था यार कि किसी पेड़ को डिस्ट्रॉय कर दूँ। सोच रहे हैं क्या कि इसको बोनसाई बना करके इस पॉट में लगा दिया जाए तो काम हो जाएगा, इसके ये भी बच जाएगा और खूबसूरती हो जाएगी। तो अभी ये चीज की जा रही है। सो यहाँ पर ये पॉट, और इस पॉट के अंदर इसको रखा जाएगा। हम लोग इसमें दो और स्टोन ऐड करेंगे जो इसके नीचे डालेंगे। तो भाई यहाँ पर जो हमारा ट्री है वो लग गया और काफी खूबसूरत दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये कौन सा पेड़ है? गेस करो वहाँ पे था हमारा, उसको वही वाला, ये वो जो साइड में था वहाँ पे। हाँ, उसको आपने काटा? हाँ, इतना अच्छा था वो। इतना अच्छा था नहीं, इतना अच्छा बनाया है मैंने। शॉकिंग हो रहा है कि ये कौन सा पेड़ है। इन्होंने मुझसे पूछा कि ये कहाँ से आया, मैंने इनको बताया कि भाई ये दीवार में निकला हुआ था, लेकिन अब ये हो गया। A few moments later, उन्होंने नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज पढ़ के जैसे ही बाहर निकले तो आगे बारिश, और इसी बारिश के इंतजार था कई अरसों से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पटना में बारिश जो पिछली बार हुई थी उसके बाद बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ने लगी थी यार। फिलहाल जो बारिश हो रही है ना, इस बारिश को फील करिए, मज़ा लीजिए। कल के मौसम से एकदम ऑपोजिट हो गया आज का मौसम। लोग मुझे जला रहे थे कि बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो कुछ लोगों ने कहा था कि हम लोग बारिश में नहा रहे हैं यार। मतलब जेलस हो रहा था मुझे आप लोगों से कि हम लोग झेल रहे हैं इतनी गर्मी को और आप लोग नहा रहे हो, मस्ती कर रहे हो। लेकिन देख लो जो लोग भी जलाने वाले हैं, देख लो हमारे यहाँ भी हो रही है क्या बारिश। अभी थोड़ा सा बारिश का मज़ा लेते हैं यार, और उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बहुत अच्छा वाला मौसम हो गया, अगर इसको छोड़ दिया तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है। सो गाइस अभी हो रहा है घड़ी में 4:40, और हम लोग को ज़रूरी काम से बाहर निकलना पड़ रहा है। इस साइड में अपनी एडिटिंग हो रही थी थोड़ी देर पहले तक, अभी बाहर निकल रहा हूँ। तो भाई क्या हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है? ओके, कितने विकेट लिए? मुझे नहीं पता कौन। अच्छा, ओह माय गॉड,
लुक एट द चेतक यार, चेतक की क्या हाल हो रखी है। आज बारिश के बाद से तो और भी ज्यादा गंदा हो गया। लॉकडाउन के बाद से ना इसकी धुलाई भी नहीं हो रही है, फिर पुछाई हो जाती है कभी कभी। ओ भैया, तो आज है पांचवा दिन। ईद के पहले मैं निकला था घर से बाहर और आज निकल रहा हूँ, और देखिए तो कैसी है अपने पटना की हालत। सड़कें सुनसान पड़ी है बिल्कुल भी। और एक चीज बहुत ज्यादा देखने को मिली कि पिछला लॉकडाउन हो या फिर ये वाला लॉकडाउन हो, जब भी लॉकडाउन होता है ना तो रोड पे काम शुरू हो जाता है। ये सारे काम अभी खत्म के निपटा लेने भाई, 25 के बाद पता नहीं लॉकडाउन खुलेगा या फिर आगे लॉकडाउन बढ़ेगा पता नहीं। लेकिन एक चीज बहुत दिल में सुकून दे रही है कि बिहार में अब जो है ना कोविड का जो रेट है वो पहले से कम हो गया है। पहले जिस तादाद में कोविड के पेशेंट्स मिल रहे थे, जो कोविड का स्प्रेड हो रहा था, वो अब पहले से बहुत कम हो चुका है। लेकिन प्रिकॉशन अभी भी आपको लेनी है। बड़े बड़े नाले बनाए जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है मैं आपको फुल बताता हूँ। पटना में सीवरेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ये काम कर रही है। पटना का सीवरेज सिस्टम बहुत खराब है, क्योंकि है ही नहीं यार। यही वजह है कि बारिश में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग होती है। उसी वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए अभी जो है कि तकरीबन डेढ़ साल से रेगुलर वॉक हो रहा है। सुबह से मौसम एक अलग खेल खेल रहा है हमारे साथ। सबसे सुबह जो अर्ली मॉर्निंग था ना, अर्ली मॉर्निंग बारिश होने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगी और बूंदाबांदी सुबह से स्टार्ट थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अचानक से बहुत कड़ी वाली धूप निकल आई। पटना का मौसम बहुत बेईमान हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है, हर पल बदल रहा है। तो फाइनली अभी हमारा काम खत्म हो चुका है जिस काम के लिए हम लोग आए थे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन, घर की ओर रवानगी है। और स्टेशन का हाल देखिए क्या हो रहा है। पटना जंक्शन, दिस पटना जंक्शन यार, क्या हाल हो गया पटना जंक्शन का। इतना सन्नाटा कभी पटना जंक्शन होता था क्या। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। की सिचुएशन आप पटना जंक्शन का देख सकते हैं। पटना जंक्शन का ये वाला लुक लॉकडाउन 1 में ऐसे इससे भी खराब था, लेकिन उससे थोड़ी सी बेहतर हालत अभी कह सकते हैं। हमारे साथ वो लोग हैं ना जो रियल में कोरोना वॉरियर्स जिनको कहा जा सकता है, जो रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग घर में रहते हैं लेकिन इन लोग हमेशा ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे लिए ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। पटना जंक्शन पे सर किस तरह का सिचुएशन है अभी, कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हैं। जो भी गाड़ी आ जा रही है चेक कराने की सहूलियत हम लोग सहायता से करवा दे रहे हैं, और पॉजिटिव केस संख्या बहुत कम। हाँ, अभी दो तीन गाड़ी चेक कराते हैं, जो दो पेशेंट की हो रही है। मतलब जो गाड़ी आती है उसमें जो पैसेंजर्स आते हैं उनका कोविड टेस्ट करना होता है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब अगर मैं पटना आ रहा हूँ कहीं से तो मुझे टेस्ट कराने के बाद ही पटना में एंटर करने मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। पहले टेस्टिंग होगी फिर उसके बाद मिलेगा। अगर मैं नेगेटिव रहा तो ही मैं जाऊँगा, पॉजिटिव फिर मुझे कहाँ ले जाया जाएगा। अशोका होटल में व्यवस्था क्वारंटाइन सेंटर का। अच्छा, डॉक्टर साहब भी हैं वहाँ के बाद में। मतलब आप ये जान लीजिए कि आपको क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो, और ऐसे अदरवाइज आप जा सकते हैं। भाई अभी पटना जंक्शन से निकलने का वक्त आ चुका है। ठीक है, ओके, दीज आर द रियल कोरोना वॉरियर्स जो रेगुलर ड्यूटी पे लगे हुए हैं। ये अपना महावीर मंदिर है, अभी पूजा अर्चना सब बंद है, हर चीज बंद है। और गजब का मौसम है यार, आप कमेंट करके बताओ कि क्या आप इस मौसम को फील कर रहे हो। जो लोग मुझे अंदर से दुखी कर रहे थे, अब जेलस करो हमारे इस मौसम से। यार लुक एट दिस फैमिलीज यार, यहाँ पर ये खाना वाना बन रहा है पूरा, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जाएंगे कहाँ। फाइनली अभी हम लोग घर जाने के रास्ते में हैं और पहुँच ही जाएंगे 6:05 और सारी स्ट्रीट लाइट जल चुकी हैं, तो आपसे सीधे मिलते हैं अब घर पर। ओह वालेकुम सलाम। और फाइनली वी रीच्ड होम, और घर आकर के कुछ ऐसा फील होता है। मैम आती हूँ ऊपर से, मतलब डस्टबिन छोड़ने का गुस्सा निकाल रहा है मेरे को। तो ईद के बाद इतने दिन हो गए थे हमें घर से बाहर निकले हुए, हमेशा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था, लेकिन आज का जो काम था ना वो थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इसलिए थोड़ी देर के लिए हमें बाहर निकलना पड़ा। और फाइनली अभी हम लोग लौट करके आए, तो आने के बाद विजुअल्स इंजेस्ट हुए और अब जो है कि ब्लॉग की एडिटिंग हो रही है। और अभी रात के बज रहे हैं 1:20 और एडिट करने के बाद फिर अभी सोने का प्रोग्राम होगा। चलिए फिर आपका भाई साहब अब मिला नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।